हेलो प्यारे बच्चों, मैं मानू सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का लेक्चर बच्चों हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आराम से चलेंगे बहुत प्यार तरीके से। आप लोगों को जितने क्वेश्चन वगैरह हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए पर्टिकुलर मैंने इन क्वेश्चनों को आज के लेक्चर के लिए बचा के रखा था ताकि इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोगों को बिल्कुल सटीक समझ में आ जाए। कल वो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है तो वो सारा कन्फ्यूज़न क्या होगा, कोशिश पूरी की जाएगी कि वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। ठीक है, तो अच्छा अगर आप देख रहे होंगे sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये प्रूफ किसके बराबर करना है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। तो आज के जो लेक्चर है ना उसको तरीके से समझ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल क्या होंगे, चुटकियों काम हो जाएंगे। तुम देखते बता दो भाई इसमें ये करना होगा, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, sec a + tan a - 1, tan a - sec a + 1 बराबर है 1 + sin a / cos a। अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है sec plus tan minus 1, यहाँ भी लिखा है sec plus tan minus 1, बस यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया मैंने ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे। जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिखी है, बस यहाँ देखो प्रूफ क्या करना है आपको, cos theta upon 1 minus sin, जबकि यहाँ क्या प्रूफ करना है 1 plus sin a upon cos a। तो देखो दोनों तरफ LHS में एक ही चीज है, लेकिन प्रूफ करना जो है वो दोनों में क्या है डिफरेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस तरीके से डील करते हैं, अभी तो यहाँ sin cos है, कल को होगा sec plus tan होगा, वो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डील कैसे किया जाता है, तो बच्चों इसके लिए सिंपल तरीका ये है। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं, ठीक है, उसको सॉल्व कराते हैं पहले हम। फर्स्ट वाला तो यहां पे मैंने लिया बच्चों एलएचएस, यहां लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। जैसे मैंने ये क्वेश्चन टेन और सेक में लिखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में ही बनते हैं बच्चों। सबके लिए बिल्कुल माइंडसेट एक होना चाहिए कि भाई ये कंडीशन होती तो ऐसे करना है अपने को। आपको बच्चों यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कॉस अपॉन वन माइनस साइन। आप इस क्वेश्चन को देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहां पर टेन और सेक है और ये दे रखा है वन, जो ये वन है वो पर्टिकुलर यहाँ पे क्रूशियल रोल क्या करता है, प्ले करता है। अब इनको पता कैसे चलता है कि हमें इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को करते क्या है, ये जो वन होता है ना, आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है tan और sec की, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, याद दिला दूं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, cosec माइनस cot कितना होता है 1, ऐसे ही आइडेंटिटी होती है बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है इसको रिप्लेस करेंगे। अब एक 1 ऊपर भी है, एक 1 नीचे है, तो किस वाले 1 को रिप्लेस करना होगा, तो बेटा जहां पर आपको दिख रहा है यहाँ पे दो पोर्शन है, दो पार्ट है, ऊपर एक छोटा पार्ट है नीचे बड़ा पार्ट है। यहां देख रहे हो ऊपर बड़ा वाला पार्ट है क्योंकि दो टर्म दे रखे, नीचे एक टर्म दे रखा है, तो जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो पर्टिकुलर वो वाला वन आपको खोलना है। मेरी बात समझ में आई, जहां पर आपको बड़ा पोर्शन दिखे वो वाला वन खोल दो, यहां नीचे दिख रहा है तो नीचे वाले वन को खोल दो, यहां ऊपर दिख रहा है बड़ा वाला तो ऊपर वाले वन को खोल दो। समझ में आया कंसेप्ट, तो आपको जो प्रूव करना है उसमें नीचे बड़ा है तो इस वाले वन को खोल दो। अब खोलेंगे कैसे हम लोग, ऊपर वाले को टच भी नहीं करेंगे हम लोग। तो मैंने यहां लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, और बेटा इस 1 की जगह मैंने ये आइडेंटिटी यहां पर क्या करी, यूज करी, दैट इज क्या है बच्चों, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस का sec थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया बच्चों इसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, थोड़ा छोटा हो रहा होगा, दिख रहा होगा लेकिन आपको, ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी बगल से लिखते हुए चलना है आप लोगों को। एक काम करो इसको हटा दो जिससे हमारा क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखे, स्पेस मिल जाए, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ऊपर तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है हमारा, ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस का 1। अगर आप देखोगे यहां पर, यहां है बच्चों sec माइनस tan और यहां है बच्चों tan माइनस sec, ठीक है। अब कॉमन कैसे निकाला जाए, तो बेटा अगर कल को a माइनस बी दे रखा हो और b माइनस ए दे रखा हो आपको, तो यहां पे एक चीज देखो, दोनों में पोजीशन का अंतर है बच्चों,
यहाँ ए पहले है, यहाँ ए बाद में है, यहाँ बी बाद में, यहाँ बी पहले है, तो दोनों की अगर पोजीशन सेम चाहिए तो किसी एक साइन माइनस साइन कॉमन ले लो। कल को बच्चों अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ए पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा। अब दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम। अगर यहां से बच्चों में माइनस साइन कॉमन ले लेता तो बी पहले आ जाता, ए बाद में आ जाता। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो कभी भी जब भी ये कंसेप्ट बड़ा बहुत यूजफुल है, जब भी पोजीशन डिफरेंट हो तो किसी भी एक में से क्या ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां से कॉमन ले लिया माइनस साइन। ठीक है, मैंने यहां से माइनस साइन कॉमन लिया बच्चों, तो यहां देखोगे इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी बच्चों। अब सेक पहले हो जाएगा, टेन बाद में हो जाएगा। और यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, इस वाले टर्म को मैं जरा ब्लैक से लिखता हूं क्योंकि इस स्टेप में बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये लिखा मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू में sec थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक, अब देखो भाई दोनों में कॉमन क्या है, आप देख रहे होंगे दोनों में कॉमन है भाई sec माइनस tan, यहां भी sec माइनस tan दोनों में कॉमन है। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा ऊपर वाले को तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, sec प्लस tan माइनस वन, नीचे वाले में से जो कॉमन निकाला बच्चों वो निकाला है sec थीटा माइनस का tan थीटा। जब ये कॉमन आ गया बच्चों तो आप देखोगे यहां से जब ये पूरा का पूरा पोर्शन चला जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का कुछ नहीं बचा, वन। और यहां पे ये चला गया तो बचेगा क्या, यहां पर दैट इज sec थीटा माइनस का tan थीटा, ये बचेगा। अब यहां पे बहुत खूबसूरत चीज आप देखोगे वो क्या है, वो खूबसूरत चीज ये बच्चों कि ऊपर प्लस का sec है, प्लस का tan है, माइनस का क्या है, वन। यहां भी प्लस का sec है, sec प्लस tan ना बच्चों, प्लस का tan है और क्या है बच्चों, माइनस का वन। तो ये दोनों के दोनों टर्म क्या है बच्चों, सेम, कट गया। अब हमारा जो रिजल्ट बच रहा है बच्चों वो कितना बच रहा है हमारे पास, वन अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। जब मैंने ये कॉमन निकाला तो ये बचा यहां पे माइनस वन, यहां से ये बचेगा दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। ये देखा, ये देखोगे ये और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम। यहां भी sec प्लस का है, यहां भी tan प्लस का है, यहां भी sec प्लस का, यहां भी tan प्लस का, माइनस वन माइनस वन, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल होगा, अकेले अकेले कैंसिल नहीं होते। ठीक है, अब बच्चों ये बना, आपको रिजल्ट चाहिए cos और sin में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया। तो अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद, cos sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है और tan जो होता है वो होता है बच्चों sin upon cos, सिंपलेस्ट फॉर्म यही होती है। तो आप यहां पे देखोगे इसका एलसीएम आएगा बच्चों 1 minus sin theta upon cos theta। आपको पता है ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा cos और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 1 minus का sin theta। हेंस क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। बोलो कोई डाउट किसी भी बच्चे को, नहीं सिंपल है, तरीका समझ में आ गया। आपको जो पोर्शन नीचे वाला दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले वन को खोल दिया हम लोगों ने। अब दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, इसी में हल्की सी कर लें, जो मैंने आपको दिया था वो दिया था sec a प्लस tan a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस वन। और जो आपको प्रूफ करना था बच्चों वो प्रूफ करना था वन प्लस sin a अपॉन cos a, यही था इसके इक्वल प्रूफ करना था बच्चों। अब इसको बच्चों हम लोग कैसे डील करते हैं वो देखो, आपकी बुद्धि को खुद आना चाहिए कि सर ऊपर वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है नीचे से, तो यहां पे हम सर ऊपर वाले को खोलेंगे, ये आएगा बोलो, खोले बच्चों जरा पानी पीने फटाफट। अब देखिए भाई आपको ऊपर वाला पोर्शन बड़ा चाहिए यानी कि ऊपर वाले वन को खोलेंगे, LHS लिया sec a प्लस tan a माइनस का। अब बेटा इस वन की जगह हम लोग आइडेंटिटी, वन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। यहां पे एंगल यहां पे a है तो थीटा की जगह रिप्लेस कैसे कर दिया a से, बाकी नीचे क्या है बच्चों tan a माइनस sec a प्लस वन। अब क्या करना है, नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, ऊपर आइडेंटिटी को ब्रेक करना है आप लोगों को, कॉमन लेना है। तो sec a
प्लस 10A, सॉरी मैंने एकदम नेगेटिव ला दिया, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे इसको बोलेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाय 10A माइनस का सेकेंड प्लस 1, ये आएगा बच्चों। अब आप देखो ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, इसमें ये कॉमन है और यहां देख रहे हो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन यही है, यहां से मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चों सेकेंड प्लस 10। तो यहां देखोगे जब पूरा पूरा पोर्शन चला गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस, ये पोर्शन चला गया बच्चों माइनस साइन तो ये ना, अब बचेगा क्या है, ये नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा के चल रहा हूं, बाकी नीचे आगे तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, 10A माइनस सेक ए प्लस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप बच्चों मैं यहां कर देता हूं ऊपर, बच्चों समझ में आ रहा है, नहीं तो पता चला मेहनत खराब हो जाए। अब आप देखोगे यहां पर ऊपर तो है sec a प्लस 10, अंदर आप देख रहे होगे 1 माइनस, ये माइनस को लेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का sec a, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। नीचे कितना लिखा है बच्चों, 10A माइनस का sec a प्लस 1। अब बच्चों यहां देखो यार, इन क्वेश्चनों में होता यही है, आप जो पोर्शन आपको बड़ा दिख रहा है आप उस वाले वन को खोल देते हो, ठीक है, फिर क्या करना है, वो आइडेंटिटी खोलती है a sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वाली, वहां से आप क्या करते हो उसको ब्रेक करते हो a प्लस बी a माइनस बी में, फिर दोनों में कॉमन निकालते हो, और कॉमन निकालने के बाद हमेशा जो पोर्शन बचता है वो नीचे वाले से क्या होता है कैंसिल ही होता है, समझ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 1 है, यहां भी प्लस का 1 है, माइनस का सेक है, माइनस का सेक है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 है, यानी कि ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या है सेम। तो कटने के बाद बच्चों यहां पे क्या आ गया, सेक ए प्लस क्या आ गया 10, ठीक है। बट मुझे इधर चाहिए बच्चों किसमें, 1 प्लस साइन है अपॉन किसमें कॉस ए, ये खुद भी अपने आप में एक रिजल्ट है, मैं आपको बताऊं ये खुद भी अपने आप में क्या है एक रिजल्ट है, बट मैं आपको और कुछ सिखाना चाह रहा हूं इसलिए मैं पर्टिकुलर इस तरीके से लेके चल रहा हूं, समझे ना, जिससे आपको कंफ्यूजन क्या हो जाए, पर्टिकुलर इन्हीं क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो एक बार भी मैं लेके चल रहा हूं। अब आपको जो प्रूफ करना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखे हैं, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, सेक की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन कॉस ए, 10 की क्या होती है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए, अब देखोगे दोनों के अंदर तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों एलसीएम लोगे कॉस ए, यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन एंड विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन क्या होगा बच्चों खत्म, सिंपल है, जो पोर्शन बड़ा दिख रहा हो उस वाले वन को खोल दो, जो आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे साइन और टेन वाली वो खोलोगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, दोनों में कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद नीचे वाला फैक्टर हमेशा क्या होता है कैंसिल आउट होता है, और अगर आपका आंसर साइन और कॉस में तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर खत्म हो गया, नोट कर लो बच्चों इसको फटाफट जल्दी से, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, ये हो गया बच्चों, अब तीसरे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, इससे क्या होगा आपके दिमाग बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा खुल जाएगा, कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो आपका दिमाग में आ जाएगा भाई हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा बच्चों आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा बच्चों साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का वन, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो प्रूव करना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। अब जो मुझे पता नहीं है यहां पर माइनस है कि प्लस है वो देख लेंगे हम लोग क्लास में जरूरी हो। अब देखो यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन आया, ठीक है, कल को ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, चलो अभी तो फिलहाल स्क्रीन ऊपर देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रूव करना है 1 अपॉन sec माइनस 10। अब बच्चे दिमाग में आता है सर अभी आप लोगों ने आपने बताया
कि यहाँ पे वन वाले को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन चाहिए तो नीचे वाले वन को खोल दें। अब बच्चों एक चीज बताओ जरा, पिछले वाले क्वेश्चनों में और इसमें अंतर क्या है? अगर आप इस वन को खोलोगे, यहाँ साइन और कॉस है और साइन और कॉस में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये पढ़िए। अगर इस वन को आप लोग रिप्लेस करोगे तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। पिछले वाले में क्या बन रहा था आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो ब्रेक हो जाता था आपका ए प्लस बी ए माइनस बी में, बट यहां पे तो ये ब्रेक ही नहीं होगा आपका, समझ रहे हो? तो यहां पे हमारा वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पहली कंडीशन आई दिमाग के अंदर, ये क्लियर है सभी को ना? अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है sec माइनस टेन। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हो कि जो sec थीटा होता है बच्चों, यहां लिख दो, sec जो होता है बच्चों वो होता है वन अपॉन कॉस, ठीक है, और tan जो होता है बच्चों वो होता है sin अपॉन कॉस। तो ये सबके सब दोनों के डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, cos। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को कन्वर्ट कर लेते हैं sec और tan में, सही है? हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे को कन्वर्ट किया किसमें, sec और tan में। तो हम लोगों ने देखा कि डिवाइड में क्या आ रहा है, cos आ रहा है, तो पूरी ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दो cos से, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पे वन जो आइडेंटिटी खुलेगी sin² + cos², उसको ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे और उसके खुलने का कोई पर्पस भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं होना। इसलिए हम लोगों ने बोला कि चलो भाई इसकी क्या है, रूपरेखा चेंज कर देते हैं, इसको sec और tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने वहां पे लिखा कि sec बराबर होता है वन अपॉन कॉस, tan बराबर होता है sin अपॉन कॉस, ठीक है। तो दोनों के डिवाइड में कॉस आ रहा है, तो मैंने बोला कि भाई पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दो किससे, कॉस से। तो यहां मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा, आपको पूर्व पता ही था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एल एच एस, नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। कल को अगर ए होता तो कॉस ए कर देते। तो यहां आप देखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नाउ होल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, सबको इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड करोगे। तो इंडिविजुअली डिवाइड करोगे, पहले नंबर का बच्चों स्टेप ये होगा, टेकिंग एलएचएस, यहां लिखोगे सबसे पहले आप लोग, क्या क्वेश्चन आएगा जब, तो सबसे पहले लिखोगे टेकिंग एलएचएस, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा दूंगा एक मिनट के लिए, चल लिखे रहने दो, आप ये लिखोगे। इसके बाद दूसरे नंबर का स्टेप बच्चों ये होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, अगला स्टेप ये रहा। तीसरे नंबर का स्टेप बच्चों क्या आएगा, सबको अलग अलग सेपरेट डिवाइड करोगे, तो साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, प्लस का वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है, ये हुआ। एंड नाउ अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहां पर अगला स्टेप दूसरा तीसरा हो गया, चौथे नंबर का जो स्टेप होगा बच्चों ये होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों टेन, ठीक है, कॉस से कॉस बच्चों ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या देगा वन, वन अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है बच्चों सेक, यहां भी साइन अपॉन कॉस क्या देगा बच्चों आपको टेन, ये वन और ये क्या देगा आपको सेक। अब कुछ याद आ रहा है आप लोगों को पुरानी कंडीशन, ये रिजल्ट आ गया। आपको जो प्रूफ करना है वो डिनोमिनेटर में है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक सही तरीके से लिख लें बच्चों। इसको अगर मैं लिखूंगा यहां पर, तो इसको मैंने लिखा बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, इसको लिखा मैंने tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का वन, सही, एंड में कर दिया वन को। आपको डिनोमिनेटर में चाहिए वन, सॉरी नीचे चाहिए sec माइनस tan, तो आप क्या करोगे नीचे वाले वन को खोल दोगे। अब बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले नंबर पे किया था, वही क्वेश्चन है, वो आपको ये कंडीशन में दे रखा था, बट मुझे आपको बिल्कुल तरीके से समझाना था, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को साइन और कॉस में डिवाइड किया, फिर साइन कॉस से मैं सेक टेन में लेके आ रहा हूं। तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी,
कि हम लोगों ने भाई यहाँ पे कॉस से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं बननी थी वो वाली। फिर यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया तो नीचे वाला रिजल्ट चाहिए, तो मुझे नीचे वाले वर्ड को खोलूंगा। अगला स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या होगा, छठवें नंबर का, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस नहीं करना। तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, यहाँ tan थीटा माइनस का sec थीटा, इस वन की जगह बच्चों आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद तो सब कुछ कहानी आपको मालूम ही है, इसके बाद की कहानी क्या होती है बच्चों, इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या कर देते हैं ब्रेक। तो यहां आप देखोगे ए प्लस बी और ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, एंड नाउ इसको हटा दो बच्चों, आपको रिजल्ट नीचे प्रूव करना था, वन अपॉन सेक माइनस टेन। एक मिनट, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में सिंपल हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, कॉमन ये होता है। अगले स्टेप में बच्चों अगर आप देख रहे होंगे, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, है ना। छठवां स्टेप था ये छठवां था, ये सातवें नंबर का स्टेप, ये आठवें नंबर का स्टेप, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन। अब एक चीज हो, यहाँ tan माइनस sec है, यहाँ sec माइनस tan है, और मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर सिर्फ पोजिशन का अंतर है, अंतर सिर्फ किसका है, पोजिशन का, और दोनों की पोजिशन सेम बनाने के लिए किसी भी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लो। अब बच्चा ये पूछा होगा सर आपने यहां से क्यों कॉमन लिया, यहां से कॉमन लेने का फायदा ये बच्चों कि ऊपर भी सेट प्लस में टेन प्लस में है, तो अंदर वाली जो फैक्टर होगा ना, अंदर वाला जो आएगा वो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा सेम, इसलिए मैंने बच्चों इसको चेंज किया है, इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज करने के लिए माइनस साइन कॉमन निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा बच्चों सेट थीटा माइनस का टेन थीटा, और ये तो ऐसे लिखा हुआ है सेट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेट थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर, अब तो सिंपल आपको बताइए क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों sec थीटा माइनस का tan थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया बच्चों, ये बाहर चला गया बच्चों, बचा यहां पर क्या माइनस वन, यहां से ये बाहर चला गया बच्चों, बचा क्या sec थीटा प्लस। अब आप देखोगे बच्चों प्लस का sec प्लस का tan, प्लस का sec प्लस का tan, माइनस वन माइनस वन, ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है sec थीटा माइनस का tan थीटा, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड। और कल को मान लो फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ऊपर लिखा होता वन sec प्लस tan, तो आप क्या बोलते कि सर सिंपल वही स्टेप होंगे, cos से डिवाइड करना पड़ेगा, sec tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले वन को खोल देंगे हम लोग, कॉमन निकालोगे कट कर आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा sec प्लस tan, कंडीशन समझ में आ गई। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर पांचवा एक्सरसाइज का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है डाउट, अब मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट उसके अंदर नहीं होगा, तो जैसे ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं सेक और टेन में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों पूरे के पूरे किसमें बनते हैं कॉसेक और कॉट में। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी वाला ले फटाफट, जिससे आप लोगों का क्या होगा, तो मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया, साइन कॉस से पर्टिकुलर सेक टेन में कन्वर्ट करा दिया, और sec tan से sin cos में कन्वर्ट करा लिया। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लीजिए पांचवे नंबर का, क्या दे रखा बच्चों, cos a माइनस sin a प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस वन, और आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो प्रूव करना है cosec a प्लस cot a के बराबर प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था यहां क्रूशियल रोल प्ले करता है वन, बट यहां पे अगर मैं वन को खोलूंगा कॉस और साइन है बच्चों मेरे पास,
वन की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आगे ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वन को साइन और कॉस के टर्म में खोलने में कोई फायदा नहीं है। वन वाली आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि चलो भाई आपको जो प्रूफ करना है वो कॉसेक और कॉट में प्रूफ करना है, पिछला क्वेश्चन सेक और टेन में प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने बोला कि चलो भाई लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉसेक जो होता है हमारा वो होता है बच्चों वन अपॉन साइन, रेसिप्रोकल होता है साइन का, और जो कॉट होता है बच्चों वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो दोनों के डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ रहा है, साइन आ रहा है यहाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल सा मैंने पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर साइन से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले नंबर का स्टेप क्या होगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग एलएचएस ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप इसको हटा दोगे, ये कुछ नहीं लिखोगे आप लोग, यहां देख लेना बस। लास्ट में प्रूफ क्या करना है हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट है। पहले नंबर का स्टेप क्या होगा बच्चों, ये आएगा। इसके बाद आप लोग दूसरे नंबर के स्टेप में क्या लिखोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। अब बच्चों एंगल के ए की थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डिवाइड बाय साइन ए, समझ में आ रहा है। कब साइन से करना है, कब कॉस से करना है, यही सेक और टेन होता तो कॉस से कर रहे होते हैं, यही कॉसेक चाहिए तो साइन से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अगले स्टेप में क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन क्या हो गया, साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन एंड डिवाइड बाय साइन, ठीक है। तीसरे नंबर का स्टेप बच्चों क्या होगा आप लोग बताइए। अब इंडिविजुअल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए अपॉन क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन ए अपॉन क्या हो गया बच्चों, साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। यहां भी करेंगे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का वन अपॉन साइन, ठीक है। हम इतना कराने के बाद मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे बच्चों तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर का स्टेप, कॉस अपॉन साइन आप देख ही रहे बच्चों, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और वन अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों कॉस अपॉन साइन क्या देगा आपको, कॉट, साइन से साइन क्या हुआ कैंसिल आउट वन, और वन अपॉन साइन क्या देगा बच्चों कॉसेक, कॉस अपॉन साइन क्या देगा बच्चों कॉट, साइन से साइन बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट वन, और ये क्या देगा आपको कॉसेक। अब एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लिख देते हैं, वन वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो कॉट ए प्लस मुझे रिजल्ट प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वो भी न्यूमरेटर में। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अब हम लोग किस वन को खोलेंगे, इस वाले वन को खोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने बताया था को वाले, को में जो बड़ा होगा वो पहले आता है, छोटा बाद में आता है। तो आइडेंटिटी हमारी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों वन। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अगले स्टेप में, ये पांचवें नंबर का स्टेप हो गया बच्चों, ये छठवें नंबर का स्टेप है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस वन की जगह बच्चों मैंने खोल दिया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे ए दे रखा तो ए लिखेंगे यहाँ पर माइनस का कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाले को आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ऐसे रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। सातवें नंबर का स्टेप क्या होगा, अब सातवें नंबर का स्टेप चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ लिखा बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ये रिजल्ट आया। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ये cot a प्लस cosec a
यहां पर ये दोनों क्या है कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया यहां से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल लिया भाई, बाहर निकाल लोगे आप तो जब ये बाहर चला गया पूरा पोर्शन तो बचेगा कितना वन माइनस ये पोर्शन बाहर चला गया बचेगा क्या अंदर कॉसेक ए माइनस का कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब क्या करोगे बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां खोलोगे वन माइनस कॉसेक ए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। इस पोर्शन से ये पोर्शन क्या होगा बच्चों कैंसिल आउट, देख रहे हैं आप प्लस का कॉट माइनस कॉसेक प्लस वन सेम है, पोजिशन आगे पीछे हो सकती है बस साइन देखते जाना। अब जो बच्चा आपके पास रिजल्ट बचा वो बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड विच इज इक्वल्स टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड। और बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म, सही समझ रहे हो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे कॉसेक कॉट एक साथ होंगे, आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सेम कंसेप्ट सिंपल वाला यूज कर लेना, जो बड़ा दिख रहा हो वो वाले वन को ब्रेक कर देना, समझ रहे हो। अगर यही क्वेश्चन हमारा साइन कॉस में था, हम लोगों ने सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें वहां पे आइडेंटिटी का यूज नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से इससे जुड़ने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप कर सकते हो। अब कोई भी सैंपल उठा लो आप पर्टिकुलर, आपको जो भी ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे के सारे निपटा दो एक बार में, समझ रहे। ठीक है बच्चों, बताइएगा लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।